एक बुजुर्ग चचा सारे दिन भ्रष्टाचार को गालियां देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं उनका अनदेखा भ्रष्टाचार। प्लीज वेलकम अथर एज ओल्ड मैन एंड प्रिया एज ओल्ड वुमन। जब तक बुढ़ी रसोई में है, थोड़ी देर जवानी का आनंद ले लेता हूँ। छोड़ो ना। अरे ऐसे कैसे छोड़ू, अभी तो पकड़ा भी नहीं। किससे बातें कर रहे हो इधर है? और मेरा सीरियल क्यों चेंज किया है? सारा दिन घर पर खाली बैठे रहते हो, ये नहीं कि बाहर जाओ, दूध लाओ, सब्जी लाओ, बैंक का कोई काम भी निपटाओ। सब्जी लाओ, दूध लाओ, बैंक जाओ। जिस दिन ये बुड्ढा सटक गया ना, तो बैंक से सीधा बैंकॉक चला जाऊंगा। है, है, है। अर्चना देखा, बुड्ढा बैंकॉक जाएगा है? अरे अगर मैं मर गई ना, तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे घर पर। अकेले रह जाओगे घर पर? अरे वो भी तो अकेले है ना, अच्छा हुआ उन्होंने शादी नहीं की, वरना अनशन में तो क्या अपने घर में ना बैठ पाते। अब मैं भी जा गया हूँ, अब मैं भी अनशन में बैठूंगा। हट जाओ, मैं जा रहा हूँ। देखो मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों की माँ को क्या जवाब दूंगी। सुनो, तुम अनशन पर जाना और मैं फंक्शन पर जाऊंगी। अरे नहीं, मतलब मैं भूखी रह लूंगी, तुम नारे लगाओगे और मैं जोरों से चिल्लाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। हम लोग कैंडल लाइट डिनर पे चलते हैं। चलो। भाई अर्चना, इस बेचारे बुड्ढा बुड्ढी को भ्रष्टाचार का मतलब पता नहीं है, लेकिन इन्हें कॉमेडी का मतलब पता है या नहीं, ये आप हमें बता दीजिए। आई वॉन्ट टू से वन थिंग, आपकी एड कभी कभी 19-20 हो जाती है, अक्सर हो जाती है, और आप मायूस हो जाते हैं, बट आई वॉन्ट टेल बोथ ऑफ यू दैट आप दोनों की परफॉर्मेंसेज कभी खराब नहीं होती। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो झगड़ा कर रहे हो इस उम्र में नहीं, हमारे उम्र में भी झगड़े होते हैं, एंड इट इज फैंटास्टिक यार। थैंक यू सर। इमरान, वेरी वेरी गुड जॉब, वेरी फनी। अर्चना, आप इन्हें कितने नंबर्स देंगी? 8 पॉइंट्स। सुहेल, 8 पॉइंट्स।